तो WWE की बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर समर स्लैम 2021 के लिए जरूर हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। लेकिन पिछले कुछ दिन काफी सारी बड़ी अपडेट्स आई हैं सामने। माना यह जा रहा था कि अगर कोविड केसेस इंक्रीज होते हैं तो समर स्लैम 2021 जिसके लिए हम इतना ज्यादा एक्साइटेड थे वो हमें थंडरडोम या फिर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। कुल मिला के बात यह थी कि समर स्लैम अभी फिलहाल डेंजर में है, लेकिन फाइनली हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है सामने, क्योंकि भैया समर स्लैम 2021 अब है आउट ऑफ डेंजर। और जो भी हो जाए समर स्लैम 2021 होने वाला लाइव फैंस के साथ में एक बड़ा चैंपियनशिप का मैच भी ऑफिशियल हो चुका है समर स्लैम शो के लिए। WWE ने भी एक बार फिर से जानबूझ के किए लेजनर को मेंशन। एक बहुत ही बड़े WWE सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट भी होने वाला है काफी जल्दी एक्सपायर एडम कोल की तरह, और WWE ने अभी तक उसे रीसाइन नहीं करवाया है। और एक बड़ा एक्सीडेंट वाला केस भी फाइल हो चुका है WWE के अगेंस्ट। ये कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में बात होगी इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले इस हफ्ते AEW डायनामाइट के शो की रेटिंग्स के बारे में, जहां पर मेन इवेंट के अंदर मैलाकाई ब्लैक हमें कोडी रोड्स को एक स्क्वैश मैच के अंदर हराते हुए नजर आते हैं। बाय द वे शो के ऊपर और भी काफी सारी चीजें होती हैं। यहां पर जो NXT की टैग टीम एवर राइज थी जिन्हें रिसेंटली रिलीज दिया गया था वो भी यहां पर हमें आती हुई नजर आती है। स्टिंग का मैच भी होता है। बात आती है कुल मिला के व्यूअरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते जो AEW डायनामाइट होमकमिंग की व्यूअरशिप आई है पिछले हफ्ते के मुकाबले थोड़ी सी डाउन है, और यहां पर व्यूअरशिप आई है 1.102 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं बात करूं पिछले हफ्ते के बारे में, पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी 1.108 मिलियन व्यूअर्स। अगर मैं उससे पिछले हफ्ते की बात करूं तो वहां पर 1.148 मिलियन व्यूअरशिप आई थी। तो लगातार व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है, लेकिन अच्छी न्यूज ये है AEW के लिए कि वो लगातार किसी भी तरीके से 1 मिलियन से जो ऊपर व्यूअरशिप है वो मेंटेन कर पा रही है। और मेरे हिसाब से मैलाकाई ब्लैक का मेन इवेंट के अंदर होना जरूर यहां पर AEW को काफी अच्छा हेल्प किया, वरना यहां पर रेटिंग्स डाउन भी हो सकती है। बाकी देखते भाई आने वाले टाइम में क्या होता है, जब लगातार AEW एकदम कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रही है रेटिंग्स के अंदर और वो क्रॉस कर रही है 1 मिलियन को। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जुड़ी एक बहुत ही बड़े मैच के बारे में जो कि WWE ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है ऑफिशियली समर स्लैम 2021 के लिए। और भाई ये नॉर्मल मैच नहीं बल्कि ये होने वाला है चैंपियनशिप का मैच। और WWE ने बात अनाउंस की है कि जो अपनी स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप है वो भी डिफेंड होगी समर स्लैम के अंदर, क्योंकि जिमी और जे उसो को एक बार फिर से फेस करना पड़ेगा फॉर्मर चैंपियंस डोमिनिक मिस्टीरियो एंड रे मिस्टीरियो का। हमने देखा पिछले हफ्ते की भाई किस तरीके से डोमिनिक ने अपने पिताजी की हेल्प की रे मिस्टीरियो की, उन्होंने एक तरह का जिमी और जे उसो का तरीका उनके ऊपर ही यूज कर दिया। तो लगा ऐसा है कि भाई अब डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो भी कुछ भी करने के लिए एकदम तैयार हैं ताकि उन्हें उनकी टाइटल्स वापस मिल जाए। बाय द वे समर स्लैम के इस क्लैश के अंदर काफी मजा आने वाला है, दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छी टैग टीम्स हैं। एंड लेट्स सी क्या उसोस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर पाती हैं या फिर द मिस्टीरियोस के पास एक बार फिर से जाती है स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप। नेक्स्ट अपडेट की तरफ लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं, और ये जोड़ी WWE पर हुए एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट केस के बारे में जो कि रिसेंटली पूरा खुलकर आया निकलकर सामने। अब देखो एक्चुअल में जो केस है वो इस ईयर का या फिर रिसेंट टाइम का नहीं है, बल्कि ये जो केस है वो लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर ही फाइल कर दिया गया था। और WWE को जो इस चीज की सेटलमेंट है जो सामने वाले बंदे को पैसे देने हैं वो इसी ईयर 10 सितंबर यानी कि नेक्स्ट मंथ 10 तारीख को देने पड़ेंगे। अगर वो क्लेम नहीं दे पाती तो ये जो केस है वो फेब 2023 तक जाने वाला है। अब बात करते हैं एक्चुअल में केस क्या है, तो भाई जैक्सन पर्सन नाम का एक इंसान है जिसने WWE के ऊपर ये वाला केस किया है। उसका मानना यह है कि एक दिन वो अपनी मोटरसाइकिल से भाई आराम से जा रहा था और अचानक से WWE के सामने से एक कार आती है और वो उसको ठोक कर चली जाती है, उसकी मोटरसाइकिल डैमेज होती है। इनफैक्ट यहाँ पर उसकी हड्डियों वगैरह में चोट आती है, उसको कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी भी हो चुकी है इस एक्सीडेंट के बाद। और उसने ये बात कन्फर्म की है कि वो गाड़ी तो WWE की थी लेकिन अंदर जो एम्प्लॉय चला रहा था वो भी एक WWE का बंदा ही था। और बता दें कि ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ इस इंसिडेंट के अंदर, पूरे इस एक्सीडेंट के अंदर, कि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, मेरे को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं और मुझे काफ़ी सारा खर्चा हो रहा है जो कि उनका हॉस्पिटल वगैरह का बिल है, और उन्हें काफ़ी सारी ऐसी इंजरीज का सफ़र करना पड़ रहा है जिससे उनकी नौकरी भी चली गई है। इसलिए उन्होंने WWE के खिलाफ ये वाला केस फाइल किया है। और भाई उन्होंने बताया कि अभी तक उन्होंने जो डॉक्टर्स वगैरह को या फिर हॉस्पिटल वगैरह को खर्चा पे किया है वो 1,26,00,000 के आसपास का है। और ओवरऑल जो डॉक्टर्स ने अमाउंट बताया कि आने वाले टाइम में और तुम्हारा कितना यूज हो सकता है, भाई वो सही में काफी ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो अमाउंट बताई गई है वो 2,32,00,000 के आसपास बताई गई है जो कि काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट है। और कुल मिला के जो यहां पर उस बंदे ने WWE से सेटलमेंट डिमांड की है ताकि आने वाले टाइम में उसकी लाइफ अच्छी चल सके, क्योंकि अब वो जॉब वगैरह कर नहीं पा रहा और उसकी जॉब भी छूट गई WWE के इस एक्सीडेंट के कारण, ऊपर से उसकी मोटरसाइकिल वगैरह का भी नुकसान हो गया है। इसलिए इस बंदे ने
कुल मिलाकर जो WWE से पैसे डिमांड किए हैं मेडिकल के अलग है, यानी कि जो मेरा मेडिकल खर्चा हो रहा है उसके तुम्हें अलग से देने पड़ेंगे, बाकी मेरी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ताकि आने वाले टाइम में उसकी फैमिली को कोई इशू ना हो पैसों को लेकर। तो यहाँ पर 3 करोड़ के आसपास जो अमाउंट है वो WWE से डिमांड की गई है। कुल मिला के मेरे हिसाब से जो पूरा हिसाब है वो 5 से 6 करोड़ के आसपास आ जाता है। WWE को ये पैसे भरने पड़ेंगे 10 सितंबर 2021 को। लेकिन अगर WWE से नहीं भरती है तो ये केस काफ़ी लंबा जाने वाला है। तो लेट्स सी WWE का इसको लेकर क्या डिसीजन होता है, क्या आपके हिसाब से WWE को उस बंदे को पैसे पे करने चाहिए या फिर नहीं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना कॉमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की तरफ बाय द वे, लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं ये जुड़ी है अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में। और देखो ब्रॉक लेसनर WWE रिटर्न होगी कब ये तो हम लोग जानते नहीं है, लेकिन WWE जानबूझ के बार बार लेसनर का जो नेम है वो हमें मेंशन करती हुई नजर आ रही है, ताकि किसी तरीके से उनके आने वाले शो के लिए और भी ज्यादा हीट जनरेट हो सके और भी ज्यादा जो फैंस हैं उस अगले वाले पेपर व्यू को हमें अटेंशन देते हुए नजर आएंगे। एक बार नहीं हो बल्कि काफी बार हुआ है। हेल इन अ सेल पेपर व्यू के बारे में बात करें, वहां पर भी WWE ने यही किया था कि भाई देखो लेसनर की शॉकिंग रिटर्न हुई थी एक बार हेल इन अ सेल में। बात आती है मनी इन द बैंक के शो की, वो शॉकिंग विक्ट्री वाली WWE ने वीडियो भी डाल दी। और होता है WWE जब समर स्लैम 2021 पास आ रहा, आपको याद होगी समर स्लैम की एक एडवर्टीजमेंट या फिर कमर्शियल जो कि लेसनर और एक शाह के बीच में थी, जहां पर लेसनर हमें शाह को एक F5 देते हुए नजर आते हैं। और भाई होता है कि यहां पर WWE यही सेम कमर्शियल हमें अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट करती हुई नजर आती है, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। और यहां पर WWE लिखती है कि आने वाले टाइम में लेसनर और शाह का एक बार फिर से रीमैच होने वाला है, और WWE एक बार फिर से किसी तरीके से लेसनर का नेम यूज कर रही है ताकि वो और भी ज्यादा हीट और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी समर स्लैम के लिए गेन कर पाए। WWE ये चाहती है कि भाई आप लोग पूरा समर स्लैम देखो, कहीं ऐसा ना हो कि लेसनर एक बार फिर से वापस आ जाए। एंड यस डेफिनेटली एक बार फिर से हम सभी का काट रही है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ, लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है NXT की एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार के बारे में, जिसका काफी जल्दी WWE कॉन्ट्रैक्ट होने वाला एक्सपायर। और बंदा ये एडम कोल नहीं बल्कि ये बंदे हैं और कोई नहीं बल्कि पीट डन। अब पीट डन रिसेंटली हमें NXT UK से NXT में आते हुए नजर आए, तब से लेके अब तक उन्होंने काफी सारे बड़े मैचेस के अंदर कम्पीट किए। लेकिन भाई रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आती है सामने, और इस रिपोर्ट का मानना ये है कि जो पीट डन का भी WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो समर स्लैम 2021 के बाद का जो वीकेंड होगा वहां पर हमें एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा, जस्ट लाइक एडम कोल वाली। और जो पीट डन की सिचुएशन है वो काफी ज्यादा सिमिलर है। और सबसे बड़ी सरप्राइज वाली बात यह कि WWE ने अभी तक पीट डन को एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया है। एडम कोल के केस में भी यही सेम सीन है, वहां पर भी उन्हें न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं हुआ। और अभी फिलहाल जो पीट डन का सिनेरियो है वो भी कुछ इस तरीके से, WWE ने उन्हें अभी तक एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं किया और काफी जल्दी उनका जो WWE कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी मंथ में एक्सपायर होता हुआ नजर आएगा। अगर पीट डन का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, दूसरी कंपनी में जा सकते हैं बिना 90-day क्लॉज के। बाकी देखते हैं भाई आने वाले टाइम में क्या होता है। अब समझ नहीं आ रहा कि WWE NXT के अपने फ्यूचर स्टार्स को क्यों बार बार धीरे धीरे करके जो एकदम एंड टाइम पे डील नहीं देती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या WWE एडम कोल और पीट डन को एक बार फिर से रीसाइन करवा पाती है या फिर नहीं। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं और ये जुड़ी है WWE की बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर, यानी कि समर स्लैम 2021 के बारे में। और भाई हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है सामने, क्योंकि अब समर स्लैम 2021 डेंजर से पूरे तरीके से बाहर है और अब समर स्लैम 2021 एलिजेंट स्टेडियम में होगा, चाहे वहां पर क्यों ना कोविड केसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएं। और ये जो अपडेट है वो WWE के मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स यानी कि एंड्रयू ज़ारन की तरफ से आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे। वो बताते हैं अभी जस्ट उन्होंने एलिजेंट स्टेडियम वालों से बात की और उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल रूमर्स आ रहे हैं कि समर स्लैम 2021 कैंसिल होने वाला है, तो अभी फिलहाल जो अपडेट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग ये जो इवेंट है वो जरूर होगा। और अभी फिलहाल उसी को लेकर बातचीत चल रही है एलिजेंट स्टेडियम के अंदर कि किस तरीके से हम लोग इस इवेंट को करवा सकते हैं। उसके बाद एक और जो बंदा है एंड्रयू ज़ारन से पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि शो कैंसिल ना हो, और लेकिन अगर सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो जाती है तो सिर्फ जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो हमें अटेंडेंस में आते हुए नजर आए, यानी कि वो एज ए लाइव फैंस हमें समर स्लैम 2021 को अटेंड करते हुए नजर आए। तो एंड्रयू ज़ारन ये बात कंफर्म करते हैं, अभी फिलहाल की जो प्लान है उनके अकॉर्डिंग जस्ट एक मास्क लेके आना, मास्क वाली पॉलिसी यहाँ पर जो एलिजेंट स्टेडियम में यूज करता हुआ नजर आएगा। और अभी फिलहाल समर स्लैम 2021 एलिजेंट स्टेडियम की तरफ से बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है। तो लगा ऐसा रहा है कि कोविड केसेस जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन भाई होने क्या वाला है, समर स्लैम 2021 लाइव फैंस के साथ में ही होने वाला। कोविड के कारण काफी ज्यादा जो इकोनॉमी है उसके अंदर ड्रॉप डाउन आया, चाहे मैं कोई भी कंट्री की बात करूं, तो यहां पर एक और जो लॉस है वो कंट्री या फिर वो जो जगह है वो बिल्कुल भी सहना नहीं चाहेगी। अगर बिजनेसमैन को फायदा नहीं होगा तो भाई कंट्री को फायदा कैसे होगा। तो मेरे हिसाब से यही वो कुछ रीजन हो सकते हैं कि एक बार फिर से जब बैक ऑन ट्रैक USA आने का ट्राई कर रहा है या फिर कोई भी कंट्री आने का ट्राई कर
रही है, तो एक बार फिर से वो हमें लॉकडाउन को इम्पोज करती हुई नजर आएगी। और भाई जब एंड्रयू शैरन ने इस बात को कंफर्म की है कि अभी फिलहाल कैंसिलेशन को लेकर कोई ज्यादा कुछ प्लान्स नहीं है, अभी फिलहाल जो एलिजांस स्टेडियम प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को समर स्लैम 2021 के इवेंट के लिए, तो भाई ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, समर स्लैम 2021 एज प्लान ही होने वाला है। और ये समर स्लैम 2021 एक तरह का आप कह सकते हो अभी फिलहाल तो आउट ऑफ डेंजर है, अनटिल और अनलेस कोई बड़ी सिचुएशन या फिर कोई अचानक से तगड़ी सी घटना नहीं हो जाती है लास वेगास नेवादा में। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की नौ भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।